प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। फास्ट कैलकुलेशन के इस वीडियो एपिसोड में हम सीखने वाले हैं 125 से डिवाइड करना। जी हां, बिना पेन और पेपर के माइंडली कैलकुलेट करना और डायरेक्ट आंसर बता देना कि 125 का भाग इस संख्या में देंगे तो इतना आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस कैलकुलेशन को, इस कैलकुलेशन का आनंद लेते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिएगा, पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, 16 में अपने को भाग देना है 125 का। ये भाग हम माइंड में कैसे देंगे, माइंड से कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 16 में 125 का भाग देंगे तो क्या आएगा। तो सुनिएगा, जिस संख्या में 125 का भाग देना है उस संख्या के साथ ही खेल खेलना है। 125 को तो हमें काम में ही नहीं लेना है, और जिस तरीके से हम पहले भाग करते थे उस तरीके से ये भाग नहीं करना है। तो क्या करेंगे, जिस संख्या में भाग देंगे 125 का, उस संख्या का हम क्रमशः 3 बार डबल करेंगे। पहली बात समझ में आई, जिस संख्या में हम 125 का भाग देंगे उस संख्या का क्रमशः 3 बार डबल करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 16 में देना है 125 का भाग, तो मैं 16 का क्रमशः 3 बार डबल करूंगा। कैसे, 16 का डबल 32, एक बार डबल हो गया है। 32 का डबल 64, दूसरी बार डबल हो गया है। 64 का डबल 128, ये लो 128, मतलब 16 का मैंने क्रमशः 3 बार डबल किया है। 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। और अब आपको कुछ नहीं करना, 3 अंकों पे डेसिमल लगा देना है, 1, 2, 3, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 0.128। जी हाँ, 16 में 125 का भाग आप देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.128। सुनिएगा दूसरा एग्जाम्पल है, 41 को डिवाइड करना है 125 से, मतलब 41 में भाग देना है 125 का। कैसे देंगे, तो 41 का हम क्रमशः 3 बार डबल करेंगे। 41 का 3 बार डबल कैसे करना है, सुनो, 41 का डबल करेंगे आएगा 82, 82 का डबल करेंगे तो आएगा 164, 164 का डबल करना है तो आएगा 328। ओके, ये लो 328 लिख दिया मैंने। अब मेरे को 3 अंकों पे दशमलव लगाना है, क्योंकि भाग 125 से करना है तो 3 अंकों पे दशमलव लगाना है, 1, 2, 3, मतलब आपका आंसर आएगा 0.328, 0.328 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, तीसरा एग्जांपल मैंने लिया है, 57 में भाग देना है 125 का, तो आपको 57 का क्रमशः 3 बार डबल करना है, और ये डबल करने का काम आपका माइंड करेगा। देखिएगा कैसे करेंगे, सबसे पहले 57 में आप 50 को पकड़िए, 50 का 3 बार डबल कीजिए क्रमशः। 50 का डबल 100, एक बार डबल हो गया है। 100 का डबल 200, दूसरी बार डबल हो गया है। 200 का डबल 400, 3 बार डबल कर लिए, 400 को रख दो। अब 7 बचा, 7 को पकड़ो, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, 400 और 56 आपका गुणनफल आया 456। ओलो, अब 456 में 3 अंकों पे दशमलव लगाना है, 1, 2 और 3, आपका आंसर हो जाएगा 0.456, यानी 0.456 आपका आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है, देखते रहिए। चौथा एग्जाम्पल देखिएगा, चौथा एग्जाम्पल है 232 में भाग देना है 125 का, तो 232 में 125 का भाग कैसे देंगे, सुनिएगा, 232 में 125 का भाग देना है तो आपको 232 का 3 बार क्रमशः डबल करना है। कैसे करेंगे, सुनो, सबसे पहले 200 को पकड़ो, 200 का डबल 400, 400 का डबल 800, 800 का डबल 1600, 1600 को रख दो। अब पकड़ो 32 को,
32 का डबल 64, 64 का डबल 128, 128 का डबल 256, 1600 और 200 1856, मतलब आपका आंसर आया 1856। और अब आपको क्या करना है, तीन अंकों पर डेसिमल लगाना है, 1, 2, 3, ये लो। 232 में 125 का भाग देंगे, आपका आंसर आएगा 1.856, 1.856। बोलिए कितना टाइम लगा, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड 15 सेकंड लग सकते हैं, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगेंगे, इस गुणा को करने में नहीं लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा बताया मैंने 10 सेकंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, पांचवा एग्जांपल, 17.5 में डेसिमल वाला लिया है, 17.5 में आपको भाग देना है 125 का, कितना आएगा ये बताना है। तो देखो 17.5 में यदि आप 125 का भाग देंगे तो 17.5 का क्रम से है आपको तीन बार डबल करना है। कैसे करें सुनो, 17.5 का मतलब होता है 17.5, 17.5 का डबल 35 होता है, 35 का डबल 70 होता है, 70 का डबल 140 होता है, ये लो तीन बार मैंने डबल किया है, आया है 140। अब तीन अंकों पर डेसिमल लगाना है, 1, 2, 3, ये लो आपका आंसर हो गया 0.140। आप चाहो तो इसे 0.14 भी लिख सकते हो। आशा करता हूँ 125 से भाग देना सीख गए होंगे। दो चार एग्जांपल आप अपनी तरफ से लिखिएगा, माइंडली कैलकुलेट करके आंसर लिखिएगा, फिर मोबाइल उठाइए और कैलकुलेटर से उसको करके देखिएगा, आपका आंसर सही आएगा मैं गारंटी देता हूँ, यदि आपने ये समझा है और सही सिस्टम से काम किया है तो। करना क्या है, अरे कुछ ही तो नहीं करना, जिस संख्या में 125 का भाग देना है उस संख्या का तीन बार डबल करना है, क्रम से है, और डबल उस हिसाब से करो कि आपके माइंड को जोर नहीं आए, ये आसानी से डबल कर दे, इस हिसाब से संख्याएं सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने 232 था, इसमें से 200 को अलग किया, 32 को अलग किया, फिर अलग अलग डबल करके लास्ट में ऐड कर दिया, और तीन अंकों पे लास्ट में डेसिमल लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।